हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के सेशन में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट टीचिंग मेथड से रिलेटेड क्वेश्चंस। सो जितनी भी शिक्षण विधियाँ होती हैं उनसे संबंधित आज हम प्रश्नों को देखेंगे, और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है यहाँ पर मैंने, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी अभी कर रहे हैं टीचिंग रिलेटेड, चाहे रीट हो, सीटेट हो, यूपीटेट हो, कोई भी एग्जाम है, हर एग्जाम में ये जो आज की वीडियो है ये आपको हेल्प करेगी। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने सेशन को। आप अपने मार्क्स जरूर बताइएगा एंड सारे के सारे प्रश्नों को जरूर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर मैं नोट्स एंड पीडीएफ शेयर करती हूँ। सो उसका लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसके अलावा अदर वीडियोस अगर आपको रीट के लिए, सीटेट के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए अगर आपको देखनी है, तो आप प्लेलिस्ट जाकर के चैनल पे देखिएगा, ठीक है, वहाँ पे आपको सभी जो वीडियोस हैं वो मिल जाएंगी। तो चलिए हम अब अपने आज के सेशन को फाइनली शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो पहला प्रश्न है हमारा, ह्यूरिस्टिक स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग वॉज गिवन बाय। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो ह्यूरिस्टिक स्ट्रैटेजीज थी टीचिंग में वो किसके द्वारा दी गई थी। सो गाइज, यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में रहेगा, बाइलिंगुअल रहेगा, कुछ क्वेश्चन आपको इंग्लिश में मिल जाएंगे, ठीक है, बट इतना डिफिकल्ट नहीं है। आपसे ये पूछा गया ह्यूरिस्टिक स्ट्रैटेजीज, ह्यूरिस्टिक का मतलब है कि जो खोज उपागम होता है वो किसके द्वारा दिया गया था। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग ने क्या दिया था, खोज विधि दी थी। अगर आपसे पूछा जाए कि खोज विधि का जनक कौन है, या डिस्कवरी मेथड जिसे हम कहते हैं, ठीक है, खोज विधि, डिस्कवरी मेथड, या ह्यूरिस्टिक भी इसे कहते हैं, ह्यूरिस्टिक मेथड, तो वो किसने दिया, प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग ने दिया था, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं। आगमनात्मक विधि का उपयोग निगमन विधि से अधिक क्यों किया जाता है। तो रीजन बताना है यहाँ पर कि जो आगमन विधि है उसका प्रयोग निगमन विधि से ज़्यादा क्यों किया जाता है। पहला, आगमनात्मक विधि जो है वो सभी विषयों के लिए उपयुक्त है इसलिए किया जाता है। दूसरा कि डिडक्टिव मेथड हैज़ नो ओरिजिनलिटी एंड क्रिएटिविटी, यानी कि जो निगमनात्मक पद्धति है उसमें कोई मौलिकता और रचनात्मकता नहीं होती है, इसलिए हम आगमन का यूज ज्यादा करते हैं। थर्ड है, इसका उपयोग उच्च अध्ययन स्तर के लिए किया जाता है। फोर, आगमनात्मक विधि में सामग्री छात्रों के लिए स्पष्ट हो जाती है। सो यहाँ पर आपको बताना है कि आगमन विधि का प्रयोग हम निगमन विधि से ज्यादा क्यों करते हैं हर जगह पे। तो इसका जो सही रीजन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इन इंडक्टिव मेथड कंटेंट बिकम्स क्रिस्टल क्लियर टू स्टूडेंट्स। इसका रीजन ये है, आगमन विधि का ये है कि इस विधि से आप जो भी सिखाते हैं वो छात्रों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है और उन्हें लंबे समय तक वो सामग्री याद भी रहती है। आगमन विधि जो है अधिक मनोवैज्ञानिक मानी जाती है। आगमन विधि से बच्चों को खोज करने की जो है क्षमता या खोज करने की प्रवृत्ति विकसित होती है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर इस प्रश्न के लिए हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, सोक्रेट्स डेवलप द टीचिंग मेथड। सोक्रेट्स ने क्या डेवलप किया, इंडक्टिव क्वेश्चन आंसर मेथड, डिडक्टिव या लेक्चर मेथड। तो सोक्रेट मतलब कि जो सुकरात थे, सुकरात ने कौन सी विधि दी थी, तो सुकरात ने दिया था क्वेश्चन आंसर मेथड, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसे हम सुकराती विधि भी कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रश्नोत्तर विधि, या इसे हम सुकराती विधि भी कहते हैं जो कि सोक्रेट्स ने दी थी, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि लेक्चर मेथड को क्या कहा जाता है, तो इसको हम चॉक एंड टॉक मेथड भी कहते हैं, ठीक है, चॉक एंड टॉक मेथड। और सबसे ट्रेडिशनल मेथड है लेक्चर मेथड, ठीक है। डिडक्टिव मेथड किसने दिया था, डिडक्टिव मेथड जो है उसके जनक अरस्तु को माना जाता है, तो अरस्तु आप याद रखिएगा, ठीक है। इंडक्टिव को भी अरस्तु कई बार दे दिया जाता है, इंडक्टिव डिडक्टिव दोनों अरस्तु ने दिया, लेकिन सबसे पहले इसका प्रयोग जो है वो बैकन ने किया था, ठीक है, इंडक्टिव का प्रयोग सबसे पहले बैकन ने इसको प्रोपाउंड किया था, उसके बाद अरस्तु को भी इसका जनक माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं। मेथड ऑफ टीचिंग डेवलप्ड बाय हेलेन पार्कहर्स्ट इज, हेलेन पार्कहर्स्ट ने कौन सा मेथड दिया था, मोंटेसरी मेथड, किंडरगार्टन मेथड, डाल्टन मेथड या प्रोजेक्ट मेथड। बहुत आसान प्रश्न है, हेलेन पार्कहर्स्ट ने जो मेथड दिया था वो होगा डाल्टन मेथड, ठीक है। डाल्टन मेथड दिया था इन्होंने, जहाँ पे बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं कि बच्चे जो है
जो कक्षा कक्ष के बजाय लेबोरेटरी में सीखते हैं, खुद से सीखते हैं। यहाँ पे बच्चों को पूरी स्वतंत्रता दी जाती है कि वो खुद से सीखे। प्रोजेक्ट मेथड आपसे पूछा जाए तो किसने दिया, किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट मेथड दिया। किंडरगार्टन मेथड जो है वो फ्रॉबेल के द्वारा दिया गया। और मॉन्टेसरी मेथड किसके द्वारा दिया गया था, मॉन्टेसरी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे सी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आता है। व्हाट इज टीचिंग थ्रू इंडक्टिव मेथड, व्हाट इज टीचिंग थ्रू इंडक्टिव मेथड, यानी कि आगमन विधि से सीखना कैसा सीखना होता है, आगमन विधि में हम किस ओर चलते हैं वो आपको बताना है। फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, यानी कि सामान्य से विशिष्टता की तरफ, विशिष्ट से सामान्य की तरफ, टीचिंग बाय एक्टिविटीज, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो जब हम आगमन विधि की बात करते हैं, यानी कि हम यहाँ पर कहाँ से जा रहे हैं, उदाहरणों से, उदाहरणों की सहायता से हम नियम की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे हम पहले बच्चों को विशिष्ट उदाहरण देते हैं, उन्हें बच्चा अवलोकन करता है और उसके बाद उसे सामान्यीकृत कर लेता है, यानी कि उसके बाद वो नियम निकालता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या बनेगा, फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, ठीक है, बी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम, क्वेश्चन 6 है, परियोजना विधि निम्नांकित में से किसकी विचारधारा पर आधारित है। प्रोजेक्ट मेथड जो है वो किसके आइडियोलॉजी पे बेस्ड है, जॉन डेवी, स्पेंसर, ब्लूम या प्लेटो। तो जो प्रोजेक्ट विधि है, जिसके जो जनक है वो कौन माने जाते हैं, प्रोफेसर किलपैट्रिक माने जाते हैं, ठीक है, किलपैट्रिक। और ये किसकी विचारधारा पे आई, जॉन डेवी की। जॉन डेवी के जो प्रयोजनवाद था, प्रयोजनवाद यानी कि जिसे हम प्रैग्मेटिज्म कहते हैं, ठीक है, प्रैग्मेटिज्म पे बेस्ड ये जो प्रयोजनवाद था, प्रयोजनावाद, उससे आया प्रोजेक्ट मेथड, ठीक है। और इनके शिष्य जो है, जो थे किलपैट्रिक, वही लेकर के आए थे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा, जॉन डेवी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 7 है, हु इज द ओरिजिनेटर ऑफ 5-step lesson plan। 5-step lesson plan के ओरिजिनेटर कौन माने जाते हैं। सो इसका जो सही आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए, हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ने पंचपदी जो है पाठ योजना दिया, ठीक है, जिसे हर्बर्टी प्रणाली भी हम कई बार कह देते हैं। और इन्होंने 5 step दिए थे किसी भी लेसन प्लान के, वो क्या क्या थे हमको फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आता है हर्बर्ट के, जब हम लेसन प्लान की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले आता है प्रिपरेशन, यानी कि जो आप तैयारी कर रहे हैं, जिसे हम तैयारी काल कह सकते हैं, ठीक है, तो प्रिपरेशन आता है सबसे पहले। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम उसको प्रेजेंट करते हैं, तो आ जाएगा यहाँ पर प्रेजेंटेशन, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आ जाएगा एसोसिएशन, यानी कि अब आप कोई एक एसोसिएशन कर रहे हैं, कोई संबंध आप यहाँ पे बना रहे हैं लेसन के साथ। उसके बाद आप उसको जनरलाइज करते हैं, जनरलाइजेशन। एंड उसके बाद पांचवा जो स्टेप होता है, वहाँ पे हम उसको अप्लाई कर देते हैं, यानी कि एप्लीकेशन इसका लास्ट स्टेप है, ठीक है। तो इस तरह से हर्बर्ट के क्या है, 5 step है जो आपको जस्ट बेसिक याद रखना है। हो सकता है कि आपसे इनमें से कोई एक पूछ लिया जाए, ठीक है, इसीलिए इनको याद रखना जरूरी है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर अब हम चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 8। एक परियोजना वास्तविक जीवन का एक हिस्सा है जिसे स्कूल में शामिल किया गया है। अ प्रोजेक्ट इज अ बिट ऑफ रियल लाइफ दैट हैज बीन इम्पोर्टेड इनटू द स्कूल। यह कथन जो है, ये जो स्टेटमेंट है, ये किसके द्वारा दी गई स्टेटमेंट है। सो गाइस, आज के जो प्रश्न है ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप बिल्कुल याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये किसके द्वारा डेफिनेशन कही गई है, जॉन डेवी, किलपैट्रिक, बेलार्ट या स्टीमसन। तो ये जो सही इसका जवाब होगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, बेलार्ट के द्वारा दी गई ये परिभाषा है, ठीक है, जहाँ पे उन्होंने कहा कि जो प्रोजेक्ट है वो एक हमारे रियल जिंदगी का हिस्सा है, जैसे कि स्कूल में क्या किया जाता है, शामिल या उसे इम्पोर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। किलपैट्रिक का एक बहुत फेमस स्टेटमेंट पूछा जाता है कि जो प्रोजेक्ट है वो एक क्या है, सोशल एक्टिविटी है जो सामाजिक एक वातावरण में की जाती है, उद्देश्य एक जो है उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है जो सामाजिक परिवेश में हम जिसको करते हैं, ठीक है। तो किलपैट्रिक की भी एक बहुत फेमस डेफिनेशन पूछी जाती है, और ये जो डेफिनेशन है किसकी है, बेलार्ट की है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। मूल्यांकन ज्ञान का उच्चतम चरण है, यह किस आयाम के अंतर्गत आता है। इवैल्यूएशन इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ नॉलेज अंडर विच डोमेन। आपको डोमेन बताना है कि जो इवैल्यूएशन है वो कौन से डोमेन में आता है। सो आई होप कि इसको आप कर लोगे, बहुत आसान प्रश्न है और इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। जब हम मूल्यांकन की बात करते हैं तो संज्ञानात्मक में सबसे हाईएस्ट जो है
हाईएस्ट जो है लेवल में ही आता है, और किसके द्वारा दिया गया था, बी एस ब्लूम के द्वारा कॉग्निटिव डोमेन दिया गया था 1956 में, और जो आपका साइकोमोटर और जो अफेक्टिव डोमेन है वो इनके सहयोगियों ने दिया, क्राथवाल, मारिया एंड जो है एंडरसन, बहुत लोगों ने मिलके दिया था, ठीक है। एंड जो कॉग्निटिव डोमेन है वो बेसिकली सिर्फ ब्लूम ने दी थी, जिनके क्या है कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे कि आपका सबसे पहले नॉलेज, फिर अंडरस्टैंडिंग, फिर एप्लीकेशन, फिर आपका एनालिसिस, फिर सिंथेसिस एंड देन इवैल्यूएशन, ठीक है। इसको जो है 2001 में संशोधन किया गया था एंडरसन के द्वारा, ठीक है, एंडरसन ने इसको संशोधित किया था, जहाँ पे इवैल्यूएशन को जो है इवैल्यूएशन हटा करके क्रिएटिंग लाया गया। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके माध्यम से वास्तविक जीवन स्थितियों के करीब प्रदर्शित करना संभव है। अब आपको बताना है कि डेमोन्स्ट्रेटिंग क्लोज टू रियल लाइफ सिचुएशन इज पॉसिबल थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कि जो आप रियल लाइफ की जब हम बात करते हैं तो किसके द्वारा संभव है, प्रोग्राम्ड लर्निंग, एक्सपेरिमेंट्स, इंटरैक्टिव लर्निंग प्रोग्राम या सिमुलेटेड लर्निंग। सो इसका जो राइट आंसर बनेगा, जब हम वास्तविक जीवन स्थितियों को रिलेट करके पढ़ा रहे हैं तो कौन सी विधि के द्वारा संभव है, ये सिमुलेटेड लर्निंग के द्वारा संभव है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर बन जाएगा, सिमुलेशन द्वारा सीखना है। यानी कि जब हम सिमुलेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, जो रियल लाइफ सिचुएशन है उनको कहीं ना कहीं आप बच्चों को इमिटेट कराते हुए सिखाते हो, वास्तविक जीवन से जोड़ करके हम यहाँ पर टीच करते हैं, जिसे हम सिमुलेटेड लर्निंग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम, नेक्स्ट है, सीखने के उद्देश्य की क्या पहचान होनी चाहिए, व्हाट शुड लर्निंग ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई। लर्निंग जो हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं उन्हें किसको आइडेंटिफाई करना चाहिए, शिक्षण विधि को, शिक्षक द्वारा बांटा गया ज्ञान को, अधिगम की संप्राप्ति को, या फिर सीखने में लिया गया समय। तो जो सीखने के उद्देश्य की पहचान है वो अधिगम की संप्राप्ति से होना चाहिए, यानी कि लर्निंग आउटकम से हमें सीखने के उद्देश्य की पहचान होनी चाहिए, यानी कि जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो किसको आइडेंटिफाई करेंगे, लर्निंग के आउटकम को, कि कितना सीखा या क्या प्रोडक्ट रहा। हम बेसिकली यहाँ प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब हम अपने ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव फुलफिल हुए या नहीं, तो हम वहां पे अधिगम के आउटकम की बात करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम, नेक्स्ट है, द कीवर्ड्स डिफाइन नोज लेवल्स एंड लिस्ट बिलोंग टू विच कैटेगरी। जो ये कीवर्ड है डिफाइन, डिफाइन मतलब आपको पता है कि परिभाषित करना, नोज मतलब कि जानना या जो ज्ञान है, लेवल मतलब कि लेवल करना यानी कि आप बता देना, सूची बनाना, लिस्ट बनाना, लिस्ट का मतलब सूची बनाना। तो ये जो आपके वर्ड्स हैं, ये जो कीवर्ड्स हैं, ये किससे रिलेटेड है, रिमेम्बरिंग से, अंडरस्टैंडिंग से, अप्लाइंग से या इवैल्यूएटिंग से। तो ये जो क्वेश्चन है ये कहाँ से है, ये ब्लूम टैक्सोनॉमी से क्वेश्चन है, जहाँ पे बच्चा अगर डिफाइन कर रहा है कोई चीज, जानता है, लेबल करना, नाम बता देना, लिस्ट बना देना, तो ये किससे रिलेटेड है, ये हमारे रिमेम्बरिंग से रिलेटेड हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो ब्लूम टैक्सोनॉमी होती है उसके जो लोअर लेवल है उससे संबंधित ये हमारा आता है, ठीक है। नॉलेज को ही हम क्या कहते हैं यहाँ पे, रिमेम्बरिंग कहा गया बाद में, ठीक है। उसके बाद आपका अंडरस्टैंडिंग आता है, उसके बाद अप्लाइंग आता है। तो ये जो है ये लोअर लेवल होते हैं, ठीक है, लोअर लेवल थिंकिंग स्किल्स होते हैं। और जो ऊपर के स्किल्स होते हैं, इवैल्यूएशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, ये हमारे हायर लेवल थिंकिंग होते हैं। तो यहाँ पर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, निम्नलिखित में से कौन एक अच्छे पाठ उद्देश्य की विशेषताएं हैं, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड लेसन ऑब्जेक्टिव। एक अच्छे लेसन ऑब्जेक्टिव जो होता है, किसी पाठ का जो उद्देश्य होता है उसकी क्या विशेषता होनी चाहिए वो आपको बताना है। विश्वसनीयता होना चाहिए, व्यापकता होनी चाहिए, मापन होना चाहिए या आलोचनात्मकता होनी चाहिए। यानी कि जो आपके लेसन का ऑब्जेक्टिव है उसकी एक खास विशेषता ये होनी चाहिए कि उसके अंदर मेजरेबिलिटी का गुण होना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो आपका उद्देश्य है वो उद्देश्य क्या कर सके, लेसन ऑब्जेक्टिव माप सके, ठीक है। यानी कि वो मापने लायक होना चाहिए, आप उसको माप सके, आप उसको मेजर कर सके कि आपके उद्देश्य फुलफिल हुए या नहीं हुए है। तो एक ऑब्जेक्टिव को कैसा होना चाहिए, मापने योग्य होना चाहिए, ठीक है, मापने योग्य होना चाहिए कि आप उस ऑब्जेक्टिव को बाद में माप सके कि बच्चे ने इसकी प्राप्ति की या नहीं की,
ठीक है, हम क्या करते हैं उद्देश्य को ही तो हम बाद में मूल्यांकन मूल्यांकन करते हैं, यानी कि मेजरेबिलिटीज का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट है, छात्र गणित की अपनी अवधारणा विकसित करेंगे, यह उदाहरण किस विधि का अनुसरण करता है? स्टूडेंट्स विल डेवलप देयर ओन कंसेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स, विच मेथड डज दिस एग्जाम्पल फॉलो? यानी कि ओन कंसेप्ट्स आप बनाना सिखा रहे हैं, बच्चे खुद से डेवलप कर रहे हैं, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? आगमन विधि, कंस्ट्रक्टिविस्ट मेथड, डिस्कवरी मेथड या डिडक्टिव मेथड? सो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी का बनेगा। कंस्ट्रक्टिविज्म की यहाँ बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कि आप खुद के ओन कंसेप्ट को डेवलप कर रहे हैं, यानी कि ये कंस्ट्रक्टिविज्म में हमारा शामिल हो जाएगा। सबसे बेस्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट है, विच प्रिंसिपल ऑफ प्लेवे मेथड हेल्प्स इन कल्टीवेटिंग सेल्फ डिसिप्लिन इन स्टूडेंट्स? भाई बच्चों में सेल्फ डिसिप्लिन अगर आपको डेवलप करना है तो कौन सा प्रिंसिपल प्लेवे में होना चाहिए? प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्रियोसिटी, क्रिएटिविटी या एक्टिविटी? तो आप यहाँ पे डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं, सेल्फ डिसिप्लिन बच्चों में आएगा प्लेवे मेथड से, तो कौन सा सिद्धांत यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है? रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो आप क्या करेंगे, आपके अंदर खुद से ही वो सेल्फ डिसिप्लिन जो है वो क्रिएट होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरेंज दी फॉलोइंग सीक्वेंस लॉजिकली। अब आपको इनको लॉजिकली लगाना है, अलग अलग जो हमारे प्लान्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा, एनुअल, वीकली, यूनिट, मंथली या अकेडमिक? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले पूरे साल का एक प्लान देखते हैं, यानी कि एनुअल प्लान सबसे पहले आएगा ए वाला, यानी कि ये दो ऑप्शन वैसे ही आपका यहाँ पर एलिमिनेट हो गया। उसके बाद एनुअल प्लान के बाद आप क्या करते हैं, वीकली बनाते हैं, यूनिट प्लान बनाते हैं, अकेडमिक बनाएंगे, तो बिल्कुल हम उसके बाद क्या करते हैं, सेकंड नंबर पे अकेडमिक प्लान बनाएंगे, आपके पूरे का पूरा जो एक आपका पाठ्यक्रम है उससे रिलेटेड आप प्लान बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद आपने एनुअल बना लिया, अकेडमिक बना लिया, फिर हम मंथ पे आएंगे। ठीक है, तो मंथली प्लान आएगा उसके बाद थर्ड नंबर पे, यानी कि डी ऑप्शन। उसके बाद क्या आएगा, मंथली के बाद हम क्या बनाते हैं, वीकली प्लान बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम सबसे एंड में क्या बनाते हैं, यूनिट प्लान बनाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका एनुअल, देन एकेडमिक, उसके बाद मंथली, उसके बाद वीकली एंड देन यूनिट प्लान। ठीक है, तो यहाँ ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। अगला है, एक शिक्षक ग्रेड 5 के छात्रों को इस तरह से गणित पढ़ा रहा है कि वह अपने छात्रों के दैनिक दिनचर्या में उसके अनुभवों के साथ अपने शिक्षण को बारीकी से जोड़ रहा है। शिक्षण का यह दृष्टिकोण जो है वो किस ओर इशारा करता है? तो अर्थपूर्ण दृष्टिकोण है, सामाजिक दृष्टिकोण है, आकस्मिक दृष्टिकोण है या ड्रिल दृष्टिकोण है, यानी कि आपका मीनिंगफुल अप्रोच, सोशल अप्रोच, इंसिडेंटल अप्रोच या ड्रिल अप्रोच? सो यहाँ पर क्या कहा गया कि दैनिक दिनचर्या में अनुभवों के साथ शिक्षण को, अपनी टीचिंग को जोड़ रहा है, यानी कि ये सामाजिक दृष्टिकोण की ओर इशारा कर रहा है। ठीक है, जब उसकी रियल लाइफ से रिलेट कर रहा है, यानी कि ये एक सोशल अप्रोच हो सकता है गणित के अंदर। ठीक है, चलिए, तो यहाँ ए बी हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, उपलब्धि परीक्षण की योजना के लिए प्रारंभिक चरण क्या है? जब हम अचीवमेंट टेस्ट बनाते हैं तो सबसे प्रारंभिक चरण उसका क्या होता है? फिर पहला है, टू बी क्लियर इन थॉट्स एंड वर्ड्स, ऑर्डर द क्वेश्चंस करेक्टली, राइट क्वेश्चंस सीक्वेंशली, या फिर स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स इन सच अ वे दैट इट विल बी एबल टू वेरीफाई देयर अचीवमेंट्स। तो यहाँ पे सबसे इनिशियल प्रारंभिक चरण क्या है, जब आप एक टेस्ट बना रहे हैं तो सबसे प्रारंभिक चरण होता है कि जब आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स को सेट करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उद्देश्यों को आप क्या करेंगे, सेट करेंगे, ताकि उनके जो उपलब्धि है उनको हासिल किया जा सके कि आप उस टेस्ट को क्यों बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। अगला है, आगमन विधि निम्न में से किसके लिए उपयुक्त होती है? सूत्र स्थापित करने के लिए, सवाल को सूत्र द्वारा हल करने के लिए, सवाल को समझने के लिए या सवाल को बनाने के लिए? तो आगमन विधि इंपॉर्टेंट होती है जब हम किसी सूत्र को क्या कर रहे हैं, स्थापित करना चाहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब आप यहाँ पे उदाहरणों के माध्यम से, जब आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत किया तो आप उसके माध्यम से एक नियम निकालते हैं,
आप अपना सामान्य एक जनरलाइजेशन करते हैं, तो जब आप सामान्यकरण कर रहे हैं, जब आप किसी फैक्ट पे जा रहे हैं, जब आप किसी तथ्य की तरफ जा रहे हैं, यानी कि आप यहाँ पे कुछ ना कुछ सूत्र को स्थापित कर रहे हैं, आपने यहाँ पे कुछ खोज किया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो बी ऑप्शन है वो निगमन तरीका है, जहाँ पे आप सूत्र के द्वारा सवाल को हल करते हुए पहुंचते हैं, उदाहरणों पे बाद में जाते हैं, तो यहाँ ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डीमेरिट ऑफ प्रोजेक्ट मेथड, इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट मेथड का दोष नहीं है, जो दोष नहीं है वो बताना है। फर्स्ट है शिक्षण अपूर्ण एवं विश्रंखलित, वे साध्य पद्धति संदर्भ पुस्तक की उपलब्धता, या फिर वास्तविक जीवन से संबंधित। तो यहाँ पर जो दोष नहीं है, यानी कि जो एक अच्छी बात है प्रोजेक्ट के बारे में, वो ये है कि ये हमारी रियल लाइफ से बहुत ज्यादा रिलेटेड रहता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल भी इसका डीमेरिट नहीं है, बाकी जो है इनके कुछ ना कुछ दोष हो सकते हैं, ठीक है, तो डी के साथ हम यहाँ पे जाएंगे। सो गाइज, यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं और हमने यहाँ पे आज 20 क्वेश्चन कवर किए हैं शिक्षण विधियों से संबंधित। आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। कम समय में कोशिश की है कि सारे क्वेश्चन को कवर मैं करवा सकूं। एंड सेशन आपको कैसा लगता है आप मुझे ज़रूर बताया करें, फीडबैक दिया करें। अगर आपको ऐसे ही और सेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप सजेस्ट कर सकते हो कोई भी टॉपिक, कोई भी किसी भी टॉपिक पर अगर आपको चाहिए वीडियो। सो मैं ट्राई करूँगी उस पर वीडियो लाने का, ठीक है। एंड टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा आप लोग कनेक्ट होने के लिए। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में। ओके, थैंक यू।